अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, हाय दिस इज मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइमेटिक कंपैरिजन के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव रीच्ड ऑन कंपैरिजन। अगर लास्ट वीडियो अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सो पीछे हम लोग जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, हम सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं, जो आपको एंजाइम काइनेटिक्स को बेसिक्स से अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करते हैं, वो दो कॉन्सेप्ट्स। और नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम टू एक्चुअली टेस्ट दैट के आपके पास वो जो दो कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल MNM कॉन्सेप्ट, और देन फिर उसी का ही डिराइव्ड डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, जिसको आप लोग लैंड वेवर वर्क प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, वो कितना इफेक्टिव है एज फार एज एंजाइमेटिक काइनेटिक्स इज कंसर्न। बिकॉज वो तो थ्योरीज हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करती हैं कि हाउ डज एंजाइम वर्क्स एंड स्पेशली हाउ डज इट डू व्हाट इट फंक्शन इज, मतलब कि उसका जो फंक्शन है विच इज़ टू कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस, वो कितना एफिशिएंटली और किस तरह से करता है। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, सो एज आई सेड दैट प्रीवियसली मेनी टाइम्स, तो उसको कंपेयर करें, और उसी कंपैरिजन की वजह से आपको गुड और बैड में डिफरेंस, राइट और रॉन्ग, मतलब एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन कंपेरिजन इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व एनालाइज और स्टडी अ थिंग वेरी वेल। तो अब आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपकी डिस्कशन है, इट इज़ टोटली अराउंड MNM काइनेटिक्स ना, MNM काइनेटिक्स, मतलब के माइकलिस, स्पेलिंग गलत हो सकती है, एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट, मेंटेन। ऑल राइट, तो लास्ट से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और उसकी जो आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी, वो कुछ यूं थी कि वी नॉट विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन योर के, मतलब के माइकलिस कॉन्स्टेंट, प्लस यू हैव योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये आपके पास उस MNM कॉन्सेप्ट की, यानी कि उस माइकलिस एंड मेंटेन थ्योरी की आपके पास डिराइव इक्वेशन थी। इट इज वेरी गुड फॉर एवरी एंजाइम विच इज नॉन एलोस्टेरिक, यानी कि एवरी एंजाइम विच इज नॉन एलोस्टेरिक, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये उसको कंप्लीटली उसके काइनेटिक्स को, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, सो नॉन एलोस्टेरिक से मतलब ये है कि उस एंजाइम की जो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दरमियान का जो रिलेशन है, मतलब कि V नॉट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर आप एक प्लॉट में रखें, तो आपके पास वो जो प्लॉट होगा, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, मतलब कि इट विल बी एग्जैक्टली हाइपरबॉलिक। अगर उसका ग्राफ इन दो वैल्यूज के दरमियान वाला हाइपरबॉलिक है, तो आप लोग ये कंसिडर करेंगे कि वो जो आपके पास एंजाइम है, इट विल बी वेरी वेल अंडरस्टूड ऑन दिस कंसेप्ट। बट यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? बिकॉज एज वी नो के जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटेन कंसेप्ट है, ये किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो आपके पास स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट मतलब कि वेरी इनिशियल स्टेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस कंडीशन में, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है, तो इस पॉइंट के ऊपर किसी भी रिएक्शन को, उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सो बिकॉज दैट, जो मोस्टली आपके पास जितने भी नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, उनकी जो आपके पास स्टेडी स्टेट होती है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर, मतलब कि इट्स वेरी वेरी मच व्हाट, सॉरी, इट्स वेरी वेरी सिमिलर। All enzymes who have hyperbolic relationship in between V naught and substrate concentration or that are non-allosteric have similar steady states. Lekin jo unki Km and V max ki value hai, matlab ke maximum velocity aur aapke paas Michaelis constant. These both values are different in every case, almost every case different. So for example, as we know ke jo aapke paas Michaelis and Menten concept hai, wo kuch yahan tak laya karta hai. मतलब कि यहाँ तक आपके पास जितने भी ये आपके पास नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, वो सिमिलर हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग आगे जाते हैं रिएक्शन के अंदर, जब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होती है, मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये वी मैक्स है, वी मैक्स, और यहाँ पर कुछ आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास के एम आती है, मतलब कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द वी मैक्स, ये दोनों हमेशा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट हर केस के अंदर। कुछ में आपके पास दो डिफरेंट एंजाइम की ये दो वैल्यू सेम आपको मिल सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये डिफरेंट मिलेगी आपको हर केस के अंदर। तो इस कंसेप्ट में, मतलब कि माइकलिस एंड मेंटेन कंसेप्ट में, इनिशियली जो तमाम के तमाम एंजाइम सिमिलर वे में आगे जा रहे थे इन इस रिलेशन के अंदर, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। और सिंपली जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट है, एज वी नो के जो आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इट इज सिंपली ऑफ टू स्टेप, मतलब कि इस थ्योरी के मुताबिक जो इक्वेशन है, आई होप सो कि आपने नोट कर रखा होगा, ठीक है, तो इसके मुताबिक जो आपके पास सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन ओनली टू स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के साथ इंट्रैक्शन करता है, और यहाँ से बनता है आपके पास क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये आपके पास फर्दर जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है। इस वाले एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग के वन कहते हैं, इसको आप लोग के माइनस वन कहते हैं, इसको आप लोग के टू कहते हैं, और ये मोस्टली होता नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी मच सिमिलर टू, वो एंजाइम के साथ वापस नहीं आता, लेकिन इसको आप लोग के माइनस टू भी कह सकते हैं। सो मतलब
अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट, एंजाइमेटिक रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस टू स्टेप. नंबर वन, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इनटू ईएस कॉम्प्लेक्स एंड ईएस कॉम्प्लेक्स देन नेक्स्ट स्टेप इनटू ई प्लस प्रोडक्ट. लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड्स, अ नॉर्मल एंड एवरेज एंजाइमेटिक रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एवरेज की बात करो, मतलब कि एवरेज एंजाइमेटिक रिएक्शन में स्टेप की अगर बात करें, मतलब कि स्टेप इन स्टेप्स, मतलब कि कितने स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें दो है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेप्स होते हैं एवरेज, और कुछ एंजाइम में 9, 8, 10, 11, 12 स्टेप्स तक भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जाता है. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि लेटर ऑन हम लोग इस जो आपके पास कीमोट्रिप्सिन है उसका मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, तो एज यू कैन सी कि इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में आपके पास मेजोरिटी 6 स्टेप्स हैं जो आपको इस पिक्चर में दिखाए गए हैं. तो मतलब कि जो आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सिंपल 2 स्टेप रिएक्शंस. सो इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास केएम और वीमैक्स, इन शॉर्ट ये आपको माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग एंजाइमेटिक कॉन्सेप्ट. लेकिन फिर भी अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वीमैक्स एंड केएम, मतलब कि हम लोग केएम और वीमैक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टडी केएम एंड देन लेट अस स्टडी फिर वीमैक्स. अब आइए बात करते हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ केएम एंड वीमैक्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन of KM and Vmax, यानी कि माइकलिस कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, बिकॉज दिस टू आर द थिंग्स जो कि आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट के अंदर. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं KM के बारे में. सो KM जिसको आप लोग माइकलिस कॉन्स्टेंट कहते हैं, माइकलिस पता नहीं स्पेलिंग ठीक है नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा, माइकलिस कॉन्स्टेंट. अगर इसके ट्रू डेफिनेशन के बारे में बात करें, सो KM इट इज इक्वल्स टू K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाय K1, मतलब कि इट्स अ इंडिविजुअल कांस्टेंट, मतलब कि कंबाइंड कांस्टेंट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल रेट कांस्टेंट. मतलब कि आपके पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इसमें होना अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो अगर सिंपली ड्रॉ करें, सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, और दिस अ फॉरवर्ड रिएक्शन. इसका जो आपके पास मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो ये K1 है, ठीक है, एंड द बैकवर्ड इज K-1 और AS कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा व्हेन इट इज गोइंग टू फर्दर ब्रेक डाउन, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास K2 है. और आपको पता है कि जब हम लोग ये जो आपके पास माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में जो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन है इन द सेकंड स्टेप, ठीक है, वो नहीं होता. सो K2 गिव अस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, तो आपके पास जो K2, K1 एंड K-1 वो इस इक्वेशन में कुछ इस तरह से. लेकिन एक्चुअल में जो आपके पास KM है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट इन बिटवीन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सो KM इट इज इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द Vmax. मतलब कि एज वी नो कि एक रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ और अकॉर्डिंग टू दिस माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट, जब आप लोग उस मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक आएंगे, मतलब कि उस मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, यानी 50 मोल्स पर सेकंड, ठीक है, तो 50 मोल पर सेकंड की हाफ पर आप आए, विच इज 25 मोल पर सेकंड वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी के ऊपर जो आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी वो ऑलमोस्ट बराबर होगी आपके KM के. अच्छा, अब मोस्टली लोग ये समझते हैं कि KM इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. नो, KM इज नॉट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, KM इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच you have V0 equals to half of the Vmax. अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से है, तो आप लोग माइकलिस एंड मेंटेन कॉन्सेप्ट के बिल्कुल लास्ट में जाएं, वहाँ पर आई हैव डिराइव्ड इक्वेशन जहाँ पर KM becomes equals to substrate concentration. इसके अलावा आप लोग इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के जरिए से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं. हम लोगों ने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इफ यू वॉन्ट टू सी दैट, कि उस वीडियो में आप लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट उसके अंदर हम लोगों ने इसको किस तरह से फाइंड आउट किया है, सो यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, बेस्ट प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हम लोगों ने इसी कुछ को डिस्कस किया है. अच्छा, अब नॉर्मली आप लोग KM को फाइंड नहीं कर सकते, मतलब कि आपको KM को फाइंड करने के लिए Vmax को फाइंड करना पड़ेगा, और Vmax को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट, और मोस्टली आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस मुख्तलिफ किस्म की वजह से आपके पास वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंचते, मतलब कि उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पहुंच पाती. मतलब कि एक होती है थियोरेटिकल मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि उस एंजाइम की आइडियल मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, बट जो मोस्टली एग्जाम्स हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनको अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, मतलब कि बहुत ज़्यादा जनरेट करने पड़ते हैं एक एग्जाम को उसके वी मैक्स तक, एक्चुअली वी मैक्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू वी मैक्स तक लेके जाने में. तो अगर वी मैक्स नहीं मिलेगा तो हाफ ऑफ द वी मैक्स नहीं मिलेगा, और अगर हाफ ऑफ द वी मैक्स नहीं मिलेगा तो आपको ये नहीं मिलेगा. लेकिन डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में बगैर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किए, विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, यू कैन फाउंड आउट थ्योरेटिकली कि व्हाट इज द वी मैक्स एंड देन व्हाट इज द KM, तो आप लोग उसको देख सकते हैं. अच्छा, और इसके अलावा जो आपके पास KM है, KM it's also used as a affinity symbol of
एंजाइम फॉर इट्स सब्सटेट, फॉर इट्स सब्सटेट, मतलब कि जो आपके पास माइकलिस कॉन्स्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ दैट एंजाइम फॉर इट्स सब्सटेट, मतलब कि एफिनिटी ज्यादा होगी तो के एम कम मिलेगा। इसका आसान सा मतलब यह है कि के एम इज अ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वी नॉट इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वी मैक्स। तो मतलब कि अगर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में कम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर वी मैक्स अटेन हो रही है, मतलब कि उस एंजाइम की सब्सट्रेट की तरफ एफिनिटी ज्यादा है ना, और अगर ज्यादा पे हो रही है मतलब कि ज्यादा आपको सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, विच मीन्स दैट के उसकी एफिनिटी जो है वो कम है। सो दैट्स वाई के एम इज यूज एज द एफिनिटी सिंबल फॉर एंजाइम एंड सब्सट्रेट। इसके अलावा जो आपके पास के एम की एक्चुअल डेफिनेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट एंड द एक्चुअल कंडीशन ऑफ दैट रिएक्शन, मतलब के जो आपके पास के एम है इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन मतलब के एक्चुअल में के एम मतलब के एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब के एक्चुअल आपकी डेफिनेशन है ऑफ के एम इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि जो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंडेल कॉन्सेप्ट इन दो में से मतलब के इन दो में से मतलब के K2 और K-1 में से इनमें से एक कोई जो है वो रेट लिमिटिंग रिएक्शन होगा, मतलब के रेट लिमिटिंग रिएक्शन का रिएक्शन कॉन्स्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। सो लेट्स से अगर आपके पास K2 इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेट लिमिटिंग रिएक्शन, रेट लिमिटिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मतलब कि जो कि रेट को लिमिट करता है, जो कि रिएक्शन की वेलोसिटी को लिमिट करता है, तो वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल K2 इज लेस देन K-1 तो KM इक्वल्स टू, तो आप लोग इसको मतलब K2 को निगलेक्ट कर सकते हैं इफ दिस K2 इज वेरी वेरी लेस देन K-1, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग होगा K-1। So it will be rate limiting, you can neglect it, then KM equals to K-1 upon K1, और अगर K-1 rate limiting है तो KM equals to K2 upon K1, मतलब के Michaelis constant is a very very different and complex function of all of these three constants. And one thing also should be remembered कि जो आपके पास KM है it's different for different enzymes. And sometimes ऐसा होता है कि it is different for the same enzymes different substrate, मतलब के KM is different for different enzyme and then KM is also मतलब के it can be also different for different substrate of same enzyme, मतलब के KM डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट तो था ही, लेकिन सेम एंजाइम के अगर दो डिफरेंट सब्सटेट्स हैं, मतलब कि बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मोर देन वन सब्सटेट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, मतलब कि उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के जो आपके पास एक्चुअल सब्सटेट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर वन डिस्कस किया गया, उनके मोर देन वन होते हैं। सो इसी तरह से अगर मोर देन वन सब्सटेट्स हैं तो उनके मतलब कि हर सब्सटेट का एक अलग केएम होगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास स्टडी है मोर देन वन सब्सटेट की, फिर एंजाइम विद टू सब्सटेट, उसको हम लोग इसी सीरीज में आगे जाकर डिस्कस करें, ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पास केएम है इट कैन बी दैट मच वेरिएबल, सो इससे आपको अंदाजा होता है कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस फैक्टर और दिस कॉन्स्टेंट इज। तो अब आइए बात करते हैं अब वी मैक्स के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं वी मैक्स की इंटरप्रिटेशन के बारे में। वी मैक्स, सो वी मैक्स एज वी नो कि किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी के वो एंजाइमेटिक रिएक्शन या वो रिएक्शन कितनी हाई वेलोसिटी तक जा सकता है वो उसका वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंटेन थ्योरी के फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ देयर इज अ रिएक्शन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑन टू स्टेप, सो उन दो स्टेप में से कोई स्टेप ऐसा होगा विच विल बी रेट लिमिटिंग, मतलब कि वो ओवरऑल जो आपके रिएक्शन का रेट है उसको लिमिट कर रहा होगा। लेट से अगर हम लोग वो पुराने वाले केस की बात करें, फॉर एग्जांपल E+S क्विकली रिएक्ट्स विद मतलब कि रिएक्ट करता है आपस में एंड कन्वर्ट्स इनटू ES कॉम्प्लेक्स, सॉरी फॉर द बाइक साउंड, ठीक है, एंड इट गिव्स यू मतलब कि जो आपस ES कॉम्प्लेक्स है एज वी नो के इट ब्रेक्स डाउन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, इट इज K1, ठीक है, K1, इट इज K2 एंड इट इज K-1। तो लेट्स से कि ये वाला मोस्टली मतलब कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट में टूटना आपके पास जो है वो रेट लिमिटिंग होगा। तो अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंडेन थ्योरी जो आपके पास वी मैक्स इट विल बी इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर रेट लिमिटिंग रेट्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि रेट लिमिटिंग स्टेप्स रेट कॉन्स्टेंट विच इज K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम, मतलब के किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है
मतलब कि वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम। अच्छा अब बात आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाई डज नॉट सबस्ट्रेट इज इंक्लूडेड इन दिस कंसंट्रेशन, बिकॉज सबस्ट्रेट इज कंसिडर्ड एज अनलिमिटेड, मतलब कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप लोग जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, बट एंजाइम्स कंसंट्रेशन आर कॉन्स्टेंट। तो मतलब कि वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एंजाइम, मतलब कि आपके पास किसी भी रिएक्शन में जितने टोटल एंजाइम होंगे उतना वो रेट मैक्सिमम वेलोसिटी तक जा पाएगा। एंड इट इज इक्वल्स टू के टू, मतलब कि के टू व्हाट, के टू इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप विच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन। मतलब कि ये जो स्टेप है के टू एंजाइम और सब्सट्रेट का E प्लस P में टूटना, इट लिमिट्स द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन है जो कि आपके पास तीन स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल इस ई एस मतलब कि ई एस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि जो है वो ये ई पी में कन्वर्ट होगा, मतलब कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये के टू और के माइनस टू, ठीक है। और देन ये जो आपके पास ई पी है इट ब्रेक्स डाउन फर्दर इन टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन है दिस नीचे वाला, इट इज व्हाट, इट इज के थ्री एंड इट इज के माइनस थ्री। तो इस केस में के थ्री विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब कि के थ्री वाला जो स्टेप है ये वो कॉन्स्टेंट है, मतलब के थ्री इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रेट लिमिटिंग स्टेप। तो ये आपका जो के थ्री है इट विल बी देन दिस कॉन्स्टेंट, मतलब कि के थ्री नाउ टोटल एंजाइम्स विच इज इक्वल टू वी मैक्स, मतलब कि दिस वी मैक्स इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्टेप विच इज रेट लिमिटिंग। अच्छा अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक जो आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन मैनी स्टेप, मतलब कि इट कंसिस्ट ऑन मैनी स्टेप्स। तो उन बहुत सारे स्टेप में से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो कि आपके पास रेट लिमिटिंग होगा, रेट लिमिटिंग। तो उस रेट लिमिटिंग स्टेप का जो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट उसको आप लोग एक नया नाम देते हैं, उसको आप लोग नाउ के वन के टू के थ्री ये नाम नहीं देते हैं, यू कॉल इट के कैट। और इस के कैट को आप लोग कहते हैं, यू कॉल इट टर्न ओवर नंबर। मैं इसको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करता हूं, बट शुड बी रिमेंबर्ड द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप विच इज रेट लिमिटिंग इज के कैट, मतलब आप उसको के कैट कहते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट ये कि इस केस में जब आपके पास दो स्टेप के ऊपर वो आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शन कंसिस्ट करता था एंड के टू वाज अ रेट लिमिटिंग कांस्टेंट, मतलब कि रेट लिमिटिंग स्टेप्स रेट कांस्टेंट, तो इस केस में वी मैक्स में जो आपके पास के कैट होगा वो के टू होगा और इस केस में के कैट आपके पास के थ्री होगा। इन शॉर्ट जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेट मी राइट इट आल्सो, जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आई होप सो कि आपको नजर आया होगा, वी मैक्स इट इज इक्वल्स टू दिस के कैट इनटू योर टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, मतलब के कंसंट्रेशन ऑफ टोटल। सो दिस के कैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन व्हिच इज एक्चुअली रेट लिमिटिंग। इसको आप लोग टर्न ओवर नंबर भी कहते हैं, जो कि अक्सर आपने सुन रखा होगा। सो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन अ गिवन यूनिट टाइम बाय अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। मतलब कि इट्स डिफाइन एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम, सिंगल एंजाइम, मोर देन वन नहीं, सिंगल एंजाइम पर यूनिट टाइम में सिंगल एंजाइम जितने आपके पास सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जब उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपके पास उस एंजाइम के लिए सैचुरेशन तक जा चुकी होती है, उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास पर यूनिट टाइम में, चाहे वो सेकेंड है चाहे वो फाइव सेकेंड है, जो भी आपने कंसिडर किया है उसके अंदर जो वो आपके पास सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं जितने हो रहे हैं बाय सिंगल एंजाइम, इट इज नोन एज योर टर्न ओवर नंबर। इस टेबल के अंदर आपके पास डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट जो आपके पास के कह रहे हैं यानी टर्न ओवर नंबर है वो आपको गिवन है। सो दिस मीन्स दैट कि ये एंजाइम इतने सेकंड में, सबसे जो आपके पास एफिशिएंट है वो आपके पास कैटलेज एंजाइम है, वो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 को कन्वर्ट करते हैं टू H2O एंड ऑक्सीजन के अंदर। सो दैट इज इट विद द Vmax। अब सो भाई बात करते हैं एक नए कॉन्स्टेंट के बारे में जिसको आप लोग स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। सो एज वी नो कि हमारे पास जो अब तक है, मतलब कि अब तक किसी भी एंजाइम को स्टडी करने के लिए दो चीज़ें आई हैं, वन इज़ के एम मतलब कि माइकलिस कॉन्स्टेंट एंड द अदर वन इज़ के कैट विच इज़ एक्चुअली द टर्न ओवर नंबर, जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो आपके पास ये जो दो कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, यू कैन कॉल इट कॉन्स्टेंट, ये जो आपके पास हैं ये आपको बताते ये हैं कि जो आपके पास कोई भी एंजाइम है उसका सेलुलर इन्वायरमेंट क्या है, मतलब कि वट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दे हैव विन, मतलब कि वो किस इन्वायरमेंट में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट। देन आपको ये बताता है कि इनसाइड द सेल
व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट जो जिसके साथ वो एंजाइम इंट्रैक्ट कर रहा होता है। बट आपके पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एज वी नो कि आपके पास जो के एम एंड के कहते हैं दे आर बोथ यूज एज टू कंपेयर कंपेयर एंजाइम, मतलब कि एंजाइमेटिक एफिशिएंसीज को आप लोग इन दो कांस्टेंट की मदद से कंपेयर कर सकते हैं। बट देर इज अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इज दैट कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास दो एंजाइम हैं, टू एंजाइम्स विच आर कैटलाइजिंग टू डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ए प्लस बी एंड द अदर वन इज द सी प्लस डी, मतलब कि एक रिएक्शन ये है, इट गिव्स यू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड ये सी प्लस डी हैं ये आपको देते हैं डब्ल्यू प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम वन का रिएक्शन है और ये आपके पास एंजाइम टू का रिएक्शन है। सो लेट्स से कि आपके पास जो टर्न ओवर नंबर है इन दोनों एंजाइम का, टर्न ओवर नंबर ऑफ ई टू एंड ई वन, वो आपके पास सेम है। सो लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये आपके पास ई वन है, ई वन, एंड ये आपके पास जो है वो ई टू है, ठीक है, और लेट्स से कि अगर हम लोग उसका जो टर्न ओवर नंबर है उसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं, दिस लाइन्स विच आर इक्वल, राइट, क्वाइट इक्वल लाइन्स, मतलब कि लेट्स से कि ये आपके पास इस वक्त 100 पे है, 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, ठीक है, एंड ये भी आपके पास 100 पे है, 100 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। बट लेट्स से कि अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस में से इस एंजाइम को निकाल कर देखें कि उसके बाद रिएक्शन की क्या हालत है, तो लेट्स से कि अगर हम लोग ई वन और ई टू दोनों को हटा देते हैं, तो अब देखते हैं कि अब उस जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है उसका टर्न ओवर, मतलब कि उस रिएक्शन में विदाउट एंजाइम्स कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स सब्सट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास जो ई वन वाला रिएक्शन था उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट है, मतलब कि उसका जो ओवरऑल टर्न ओवर नंबर था वो इतना था, एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ई टू था उसका टर्न ओवर नंबर विदाउट दैट एंजाइम्स वो इतना था, मतलब कि विदाउट एंजाइम्स जो आपके पास ये दोनों रिएक्शन थे, रिएक्शन वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना टर्न ओवर नंबर था, मतलब कि उनके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड आपके पास सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे और यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल पर सेकेंड आपके पास कन्वर्ट होते थे। बट जब दोनों ने एक्ट किया, ई वन और ई टू ने जब ये आ गए, तो अब इन दोनों का टर्न ओवर नंबर सेम हो गया, 100 100। लेकिन अगर आप लोग देखें कि हम लोग टर्न ओवर नंबर को यूज करते हैं टू कंपेयर एंजाइमेटिक एफिशिएंसीज, लेकिन अगर मैं आपसे एक हॉनेस्ट ओपिनियन लूँ कि मुझे बताइए कि क्या इस एंजाइम और इस एंजाइम का फंक्शन, इसकी एफिशिएंसी बराबर है, ये ई वन एंजाइम इतना जो है वो रेट एनहांसमेंट करता है, मतलब कि 90 तक इंक्रीज कर दिया, और ये जो है इसने खाली 50 किया। सो डज दीज टू एंजाइम्स हैव डन इक्वल वर्क? बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर टर्न ओवर नंबर ये दोनों इक्वल हैं। एंड अगर हम लोग बात करें के एम की ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम, एक एंजाइम उसको आप लोग नाम देते हैं E3, ठीक है, एंड वन इज E4, ठीक है। अच्छा लेट्स से फॉर एग्जांपल जो E3 एंजाइम है उसका जो नॉर्मल सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर वो एक्ट करता है वो नॉर्मली हाई रहती है, मतलब कि उसको ज़्यादा सब्सट्रेट मिलते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो E4 है, ठीक है, मतलब कि E4 एंजाइम उसकी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि E4 एंजाइम जिस सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करता है उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मली लो रहती है। सो जाहिर सी बात है डिपेंडिंग ऑन देयर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ऑन मतलब कि ऑन अवेलेबिलिटी ऑन देयर सेल्स, ठीक है, और प्रेजेंट इन देयर एनवायरनमेंट, उनके जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अगर वो डिफरेंट है, मतलब कि एक जो है वो उसका जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन लो है एक का ज़्यादा है, तो उसी के बिहाफ के ऊपर उनकी KM भी डिफाइन होंगे, मतलब कि इसका सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा तो इसकी KM भी ज़्यादा होगी, मतलब कि KM इज द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ना, तो अगर नॉर्मली एक एंजाइम हाई सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करता है तो उसका जो KM है वो तो ज़्यादा ही आना है, और अगर कोई है जो कि कम सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करता है तो उसका KM कम ही आना है, तो मतलब कि बोथ ऑफ दिस वैल्यू KCAT एंड KM इज नॉट एफिशिएंट फॉर अस टू एक्चुअली कंपेयर और एक्चुअली टू लुक टूवर्ड्स द एंजाइमेटिक एफिशिएंसीज ऑफ टू एंजाइम द बेस्ट वे वी हैव डिस्कवर्ड एंड इट इज एक्चुअली टू टेक बोथ ऑफ देम एंड मिक्स देम, यानी कि इन दोनों का रेशियो, जिसको आप लोग एक खास नाम देते हैं, यू कॉल इट स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट, उसको आप लोग कहते हैं KCAT over KM। तो भाई अब उसके ऊपर बात करते हैं। सो द बेस्ट वे टू कंपेयर टू एंजाइम, मतलब कि बेस्ट वे ऑफ कंपेरिजन ऑफ टू एंजाइम्स या टर्न ओवर नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्टेट्स ऑफ द सेम एंजाइम
ऑफ द सेम एंजाइम, वो तरीका ये है, इज टू टेक रेशो रेशो ऑफ के कैट ओवर के एम, मतलब के कैट ओवर के एम, इसको आप लोग कहते हैं स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट. यू कॉल इट व्हाट, लेट मी चेंज द कलर, कॉल इट स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट. And it is actually the rate constant of enzyme substrate to E plus P. मतलब के it is actually what? मतलब के as we know के enzyme plus substrate which gives you enzyme end product. मतलब कि ये आपके पास जो enzymatic reaction है, ये जो आपके पास K cat over KM है जिसको आप लोग specificity constant कहते हैं, ये इस reaction का rate constant है. मतलब के in short ये कि इस reaction की जो overall velocity है, it is dependent on V naught which is equals to K cat over KM. मतलब के it's rate constant. K cat over KM, ठीक है, एंड देन यू हैव कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट. ये आपके पास एक टोटल, आपके पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसकी कंप्लीट आपके पास डेफिनेशन, ये सिंपल इक्वेशन आपको दे सकती है. आप लोगों ने अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, सो हियर वी गो, टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज द परफेक्ट वैल्यू व्हिच टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट अ एंजाइमेटिक रिएक्शन. ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, इस कॉन्स्टेंट को आप नाम देते हैं स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट. और याद रखिएगा, ये जो आपके पास ये कांस्टेंट है, यू कॉल इट सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट. यू कॉल इट व्हाट? सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट. एज वी नो कि आपके पास रिएक्शन भी बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसकी जो वेलोसिटी है या इसका जो रेट है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. नंबर वन इज द एंजाइम एंड देन यू हैव द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो ये जो आपका के कैट और के एम का जो आपके पास यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ के, मतलब के यूनिट ऑफ के एम, सॉरी के कैट ओवर के एम, इट इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. अच्छा, अब देर इज अ लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट. लिमिट का मतलब यह है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब यह है कि देर इज अ स्पेशल केस, अगर ये जो आपके पास स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट है, अगर ये खास वैल्यू एक खास लिमिट तक पहुंच जाए, लिमिट तक, उसको आप लोग एक खास नाम देते हैं, यू कॉल इट डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट. डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट विच इज अप टू इन बिटवीन 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 टू 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 9. कहते हैं कि अगर किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो आपके पास स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है, वो इस डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट तक, मतलब कि 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 से लेकर 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 के दरमियान में हो या इस लिमिट में हो, सो यू कॉल इट के वो जो आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है या वो आपके पास जो एंजाइम है, इट इज रीच्ड कैटालिटिक परफेक्शन. मतलब कि अगर उसकी डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट इतनी हो जाती है, तो वो एंजाइम आपके पास कैटालिटिकली परफेक्ट हो जाता है. मतलब कि उससे परफेक्ट एंजाइम आपको नहीं मिलेगा एज फार एज बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी एंड बायोलॉजिकल आइडियलिज्म इज कंसर्न. सो दैट इज इट विद दिस वीडियो. आई होप सो कि आपको ये जो कैटालिटिक कंपैरिजन है, मतलब कि जो आपके पास एंजाइमेटिक कंपैरिजन है, ये उसकी वीडियो थी. एंड वी हैव डिस्कस डिफरेंट वे टू डू दैट. सबसे बेहतरीन वे कौन सा है? एग्जैक्टली स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट. इसके अलावा भी आप लोग के एम को यूज़ कर सकते हैं, वी मैक्स को यूज़ कर सकते हैं, के कैट को यूज़ कर सकते हैं, बट द ultimate and the pro level of that particular comparison is to use this specificity constant. So that is it with this video. I hope so ki aapko ye video samajh aayi hogi. If you like this video, so please do share this video with your friends and anyone jisko bhi is video ki zarurat hai. Apna bahut sara khayal rakhiyega. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Goodbye.